नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के बेलथरा रोड से है, जहां बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन के निकट पेट में शिशु की मौत के बाद दर्द से करा रही प्रसूता के लिए हनुमान बने बेलथरा रोड आदर्श नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 के सभासद नीलेश दीपू दरिया दिली दिखाते हुए 112 नंबर पुलिस के साथ प्राइवेट वाहन से सीएससी सीयर पहुंचाया, जहां स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल बलिया के लिए रेफर कर दिया, जहां पर महिला चिकित्सक के अथक प्रयास के बाद मृतक बच्चे का प्रसव कराकर महिला की जान बची। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलथरा रोड नगर के कांसीराम आवास में रह रही एक प्रसूता ज्योति देवी पत्नी सागर की अचानक पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसका पति भी नहीं था, जो कबाड़ बीन कर जीविका चलाता है। बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन के समीप किसी तरह पहुंचकर जमीन पर लेटकर दर्द से महिला कराह रही थी। इसी बीच वार्ड नंबर 3 के सभासद नीलेश दीपू की नजर पड़ी। वह 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाकर बिना समय गंवाए ई रिक्शा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर पहुंचाए, जहां पर डॉक्टरों ने प्रसूता के पेट में बच्चा मृत होना बताया। प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति देख जिला अस्पताल बलिया के लिए रेफर कर दिया। वहीं इस नेक कार्य का पूरे बेलथरा रोड समेत अगल बगल के जनपदों में भी लोगों ने खूब सराहना की। बलिया से न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश कुमार दीपू है, मैं वार्ड नंबर 3 से सभासद हूँ। क्या मामला है? मामला ऐसा है कि रात्रि में रेलवे स्टेशन के बाहर एक महिला सोई हुई थी, जिसके पेट में बच्चा था। लोगों के अनुसार बता रहे थे कि 2-3 दिन से महिला इधर उधर घूम रही है और वह पेट में ही बच्चा डेथ कर गया था। तो हम लोगों ने अपने साधन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसको सीयर पहुँचाया। सीयर पहुँचाने के बाद से डॉक्टरों ने उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बच्चा तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन महिला बची, इसके लिए हम लोग को इस बात के लिए खुशी है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।